1958 में चाइना में 4 करोड़ लोग मारे गए थे भूखमरी की वजह से। और अगर आपको ये लग रहा है कि वहां पे कोई बहुत बड़ा एटॉमिक बम हुआ था, कोई वायरस आया था, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। चाइना में 4 करोड़ लोग मरने के पीछे रीजन था ये छोटी सी चिड़िया। अब इस छोटी सी चिड़िया की वजह से 4 करोड़ लोग कैसे मर सकते हैं, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, इसी के बारे में बात करेंगे आने वाले वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करें। 1958 में इलेक्शन हुए थे जिसमें पीपल्स रिपब्लिक पार्टी ये जीत के आई थी, जिसका लीडर था माओ ज़ेडुंग। अब माओ पावर में आते ही उसने ठान लिया था कि अब चाइना जो है वो किसी भी तरीके से अमेरिका से पीछे नहीं रहेगा। उसने ठान लिया था कि किसी भी तरह से चाइना को अब अमेरिका के आगे लेके जाना ही है। और उसके हिसाब से पहला कदम था कि चाइनीज लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव करना। इसीलिए उसने ऑर्डर दिया कि चाइना से जो है मच्छर और मक्खी और चिड़िया इनको पूरी तरह से इरेडिकेट कर दिया जाए, जहां कहीं भी ये दिखे इन्हें मार के खत्म कर दिया जाए। चूहों से, मच्छर से, मक्खी से बीमारियां फैलती हैं, डिजीजेस फैलती हैं, लोगों को इफेक्ट होता है, ये समझ आ रहा है। लेकिन उसने चिड़िया को क्यों इंक्लूड किया? तो उनका यह कहना था कि ये जो छोटी सी चिड़िया है ये साल भर में 5 किलोग्राम जितना अनाज खा जाती है, तो लाखों चिड़िया थी, करोड़ों चिड़िया थी, इनकी वजह से फूड शॉर्टेज जो है वो कम हो जाएगा, जिससे चाइनीज लोगों को सिर्फ नुकसान है और प्रॉफिट कुछ भी नहीं है। इसलिए उसने ये भी इंक्लूड किया कि इस चिड़िया को भी जहां कहीं दिखे इसको मार दिया जाए। अब चूहों को मारना मुश्किल था क्योंकि वो बिलों में घुस जाते थे। मच्छर और मक्खियों को पूरी तरह से इरेडिकेट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, ये भी हो नहीं सकता। तो चाइनीज लोगों के लिए सबसे ईजी निशाना था ये छोटी सी चिड़िया। तो सारे के सारे चाइनीज लोग काम धाम छोड़ के बस इस चिड़िया को मारने के लिए लग जाते। जहां कहीं भी छोटी सी चिड़िया दिखी वो उसे जान से मार देते थे। हद तो तब हो गई जब चाइनीज आर्मी भी इस काम में इंक्लूड हो गई। लोग स्कूल से छुट्टी लेने लगे, ऑफिसर्स से छुट्टी लेने लगे और इस चिड़िया को मारने लगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने इंसेंटिव दिए थे कि जो जितनी ज्यादा चिड़िया मारेगा उसे उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। और ऐसे करते करते लिमिट तो तब क्रॉस हो गई जब एक एक दिन में 3-3 लाख स्पैरोज को मार दिया जाता। जहां कहीं भी स्पैरो दिखती थी उसे जान से मार लेते। और ऐसे ही करते करते एक साल के अंदर चिड़िया जो है वो पूरी तरह से चाइना से इरेडिकेट हो गए। चाइनीज लोग बहुत ज्यादा खुश होने लगे, वो बहुत ही ज्यादा सेलिब्रेट करने लगे। हर जगह पे रैलीज निकलते थे, माओ के नारे लगते थे, जैसे कि इन्होंने एक छोटी सी चिड़िया को मार के बहुत ही बहादुरी का काम कर दिया, बहुत ही बड़ा काम कर दिया। लेकिन आगे जाके इनके साथ क्या होने वाला था इन्हें इसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, क्योंकि इन लोगों ने नेचर से पंगा लिया था और अब नेचर को हिसाब चुकाना बाकी था। तो थोड़े महीनों तक सब कुछ ठीक रहा, फिर अचानक से पूरे चाइना के अलग अलग हिस्सों में लोकस्ट अटैक होने लगे। लोकस्ट एक तरह के कीड़े होते हैं जिसे टिड्डियां बोलती हैं। ये जमीन के नीचे ही रहते हैं और इनका जब सीजन आता है तो ये जमीन के बाहर निकलते हैं। अभी जो लोकस्ट है ये दिखने में बहुत छोटे कीड़े होते हैं, लेकिन ये जब जमीन से बाहर आते हैं तो इनकी जो तादाद है वो लाखों में और करोड़ों में होती है, और इनके रास्ते में जो भी आता है वो सब कुछ बर्बाद करके चले जाते हैं। तो जहां जहां भी लोकस्ट अटैक हुआ वहां के खेत, वहां की फसलें, वहां के फ्रूट्स, वहां जितना भी फूड प्रोडक्शन उन्होंने किया था, सारा का सारा खाना, सारा का सारा अनाज इन कीड़ियों में बर्बाद कर दिया। लोकस्ट अटैक को रोकने का पॉसिबल तरीका ऑलमोस्ट कहीं भी नहीं। इनके रास्ते में जो भी आता है वो उसे पूरी तरह से बर्बाद करते चले जाते हैं। और कुछ चाइनीज लोगों ने इन कीड़ों से बचने के लिए बहुत ही जहरीले केमिकल्स वगैरह यूज किए, जिससे कि उनका खाना और ज्यादा बर्बाद हो गया। सारे खेत बर्बाद हो गए, सारे फसलें बर्बाद हो गई, जितना भी इन्होंने अनाज बचा के रखा था पूरा का पूरा बर्बाद हो गया। और पूरे चाइना में फैमाइन आई, जिसकी वजह से कम 4 करोड़ लोग भूख के मारे तड़प तड़प के मरने लगे। लेकिन जब तक ये बात इन्हें रियलाइज होती तब तक बहुत देर हो चुकी। जब 4 करोड़ लोग तड़प तड़प के मरने लगे तब चाइनीज लोगों को ये बात रियलाइज हुई कि ये जो छोटी सी चिड़िया थी ये सिर्फ अनाज के 2-4 दाने नहीं खाती थी, बल्कि ये कीड़ों को भी खा के कीड़ों की जो पॉपुलेशन है उसे कंट्रोल में रखती थी। बट अब क्योंकि इन्होंने अपने हाथों से ही सारी चिड़ियों को चुन चुन के मार दिया था, इन कीड़ों को रोकने का रास्ता कुछ भी नहीं था। पूरे चाइना के अलग अलग हिस्सों में 4 करोड़ लोग भूख से तड़प तड़प के मरे थे, और ये ऑफिशियल डाटा, अनऑफिशियल तो इससे भी कहीं ज्यादा। और जब चाइना वालों को ये बात समझ आई तब उन्होंने रशिया से 2 लाख स्पैरोज को इंपोर्ट किया था चाइना में और उन्हें ब्रीड करने का, आगे बढ़ने का टाइम दिया। वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले ने जिस किसी को भी बनाया, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, परिंदे हो, हर एक का इकोसिस्टम में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। और जब कभी भी इंसान इस इकोसिस्टम में छेड़खानी करने की कोशिश करता है उसका हर्जाना उसे ही भुगतना पड़ता है। तो ये थी आज की स्टोरी, होपफुली आपको आज की स्टोरी पसंद आई हो। और अगर आपको जानना है कि इंडिया में ऐसी कौन सी जगह है जहां पर जाने की परमिशन किसी को भी नहीं है, अगर कोई जाता है तो वहां से जिंदा वापस नहीं आता, अगर ऐसी जगह के बारे में जानना है तो साइड में आ रही वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।